नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में जिसका नाम है टैली मेथोडिस। आज फिर ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो बिल्कुल नए वर्जन पर बन रहा है टैली के। और आज भी हम एक नए फीचर के बारे में जानेंगे कि जो टैली में इससे पहले हमने जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते थे तो उसका रिवर्स चार्ज हम जब करेंगे तो उसका कैसे सेटलमेंट करेंगे अपने नए फीचर के साथ। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट में जाना आपको, डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट जीएसटी और GSTR2 में। तो मैंने आपको यहाँ पर B2B UR, इसका मतलब बिजनेस रजिस्टर बिजनेस टू अनरजिस्टर बिजनेस, जब हम किसी रजिस्टर अनरजिस्टर पर्सन से डीलर से कोई गुड्स खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं तो उस पर आप कैसे रिवर्स चार्ज की एंट्री करोगे। जैसा कि आपको आता भी है रिजर्व चार्ज की, बट आपको ये नहीं पता कि B2B की एंट्री हम यहाँ पर कैसे पुटअप करेंगे। सो आज हम नए फीचर के बारे में सीखने जा रहे हैं जो B2B इनवॉइस में है। जब आप इसको ऑल्ट प्लस F1 से इसकी डिटेल चेक करोगे तो यहाँ पे दो चीजें हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है। एक तो है B2B। B2B का मतलब क्या है? B2B का मतलब रजिस्टर बिजनेस टू रजिस्टर बिजनेस, इसका मतलब कि वो टैक्सेबल इनवॉइस शो कर सकता है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टैक्सेबल परचेस, यहाँ पे जो सिंपली आप टैक्सेबल इनवॉइस इशू करते हो वायर को, ये वो सिंपल है। और दूसरा है रिवर्स चार्ज सप्लाइज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिवर्स चार्ज सप्लाइज के ऊपर है कि बिजनेस जो रजिस्टर पर्सन है, जो रजिस्टर डीलर है, वो कैसे रिवर्स चार्ज लेगा अपने गुड्स पर। तो वो हम आज ये कंप्लीट करना इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो पहली बात तो मेरी ये है कि रिवर्स चार्ज जब आप इसमें टैली में रिवर्स चार्ज लोगे किसी भी रजिस्टर पर्सन से, उस बात का जरूर ध्यान रखना, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब आप आइटम बनाओगे तो उस पर आप जब आइटम बनाओगे तो जब आप GST की डिटेल डालोगे तो उस पर आप एक फीचर है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आपको रिवर्स चार्ज मिलेगा वो भी रजिस्टर पर्सन से। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने GST को एक्टिवेट इन टैली में। F11 फीचर्स में जाना आपको और स्टेटस एंड टैक्सेस में F3। उसके बाद एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करना है और सेटल टैक्स GST को भी यस करना है आपको। और यहां से आपको जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उस का आपको यहां पे सिलेक्ट करके एंटर मार देना है और GST नंबर आपको यहां पे दे देना है। उसके बाद आपको यहां पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं छेड़ना, सिंपली सेव करना है और सिंपली सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो कंपनी बनाई हुई हैं। एक तो जो रिवर्स चार्ज सप्लाइज है, मतलब कि बायर है, और जो दूसरा है मिस्टर जे रॉय जो सेलर है। तो आज हम दोनों कंपनियों में देखेंगे कि जो मिस्टर जे रॉय है वो सेल करेगा और जो बायर है वो परचेस करेगा। हम आज दोनों सेट करेंगे ताकि आपको सिंपली पता चल जाए, क्लियरफाई हो जाए हम कैसे करेंगे। तो बायर का हमने सेट कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले अब लेजर बनाएंगे, आइटम बनाएंगे। हम लेजर यहाँ नहीं अपने वॉचर में बनाएंगे। अब हम परचेस करेंगे एक रजिस्टर पर्सन से जो मिस्टर जे रॉय है, इसका भी लेजर बनाएंगे। उससे पहले हम एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि परचेस है। अब परचेस करने के लिए आप सिंपली अकाउंटिंग वॉचर पर जाइए और यहाँ से आप F9 प्रेस कर दीजिए परचेस वॉचर। तो सिंपली आप परचेस वाउचर पे आने के बाद आप पहले इनवॉइस नंबर दे दीजिए, कंपलसरी इनवॉइस नंबर देना। और दूसरा आप लेजर बनाओगे पार्टी का जो सेलर है, जो हमारा सेलर है वह है मिस्टर जे रॉय जो हमारा संडी क्रेडिटर है। और यहाँ से मेंटल बिल बाइबिल को रखना है सही, और जिस स्टेट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ पर डालना है आपको, और यहाँ से सैटरडे GST को यस करना है। और ये रेगुलर है, अगर ये अनरजिस्टर है तो वो एंट्री और कहीं जाएगी, वो एंट्री जाएगी बिजनेस टू अनरजिस्टर बिजनेस में। बट हम बात कर रहे हैं B2B, वो भी B2B की, वो भी रिवर्स चार्ज सप्लाईज के ऊपर। तो ये रेगुलर ही हो सकता है। और इसका GST नंबर दे दीजिए, वो भी सही सही देना, गलत मत देना। मैं अपना GST नंबर दे दिया है और इसको कर दीजिए सिंपली सेव। सेव कर दिया। अब परचेस का लेजर बना लिया ऑल्ट प्लस ई करके परचेस के अंडर, और यहाँ से GST को एप्लीकेबल करना है और सेटल GST को नो ही रखना है। और यहाँ से आपको गुड्स लेना है क्योंकि हम गुड्स का रिवर्स चार्ज लेंगे। अब देखिए हम क्या खरीद रहे हैं।
तो सबसे पहले थिंग्स हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, हमने बनाया हुआ है एक्चुअली में। अब देख लेते हैं, जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप को मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या सेटिंग की हुई है। तो मॉडिफाई के लिए देखने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से यूनिट है, और यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल करना है आपको, और सेटअप जीएसटी में जाना है। जब आप आइटम बनाओगे तो सेटअप जीएसटी डिटेल में यस करने के बाद यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, एचएसएन नंबर देना है, और नीचे आना है आपको यहाँ पर अगर आपको किसी भी टैक्सेबल इनवॉइस में रिवर्स चार्ज चाहिए किसी भी आइटम पर। अब ये ऐसा नहीं है कि आप हर किसी आइटम पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दोगे, वो भी टैक्सेबल इनवॉइस पे नहीं। जो गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई किए गए हैं गुड्स, आप उन्हीं का ही रिवर्स चार्ज ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। इस बात का जरूर ध्यान रखना, और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको रिवर्स चार्ज, जैसे टैली में एंट्री आपने कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिवर्स चार्ज मिल गया। नहीं, आपको रिवर्स चार्ज तभी मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे, जो आप गवर्नमेंट को दिखाओगे कि आपने ये काम किया हुआ है, आपका इनवॉइस इसलिए इशू किया है, ये रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ये तभी आपको रिवर्स चार्ज मिलेगा। टैली में एंट्री करने से रिवर्स चार्ज नहीं मिल जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, जो आप टैक्सेबल इनवॉइस पे या रजिस्टर्ड पर्सन से, डीलर से अगर रिवर्स चार्ज चाहिए तो इसको यस करना पड़ेगा। इसको यस करने के बाद उसको परसेंटेज दे दीजिए जितना परसेंट का है, और यहाँ से गुड्स लेके इसको सिंपली कर दीजिए सेव। अब जैसे लैपटॉप मैंने खरीद लिए, फाइव खरीद लिए, जैसे 20,000 रुपये के। अगर मैं इसका टैक्स एनालाइज करूँ, टैक्स एनालाइज के लिए ऑल्ट प्लस ए प्रेस कर दीजिए, वरना यहाँ पर टैक्स एनालाइज यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, और जब डिटेल में चेक करोगे ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करके, तो यहाँ पे देखिएगा 14,000 CGST और SGST सेंट्रल और स्टेट टैक्स कटा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो ये अमाउंट है, कौन सा वाला टैक्स अमाउंट, ये रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो ठीक है, ये हमने दिखा दिया, इस पर टैक्स बना हुआ है। बट जब हम इस पर टैक्स काटेंगे तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब टैक्स लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर दीजिए। अब पहला बना लेते हैं CGST, अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और सेंट्रल टैक्स, और इसको कर देना आपको सिंपली सेव। तो देखिए यहाँ पे CGST नहीं कटा। CGST हमारा तभी कटता है और SGST तभी कटता है जब हम सेम स्टेट में, लोकल स्टेट में परचेस करते हैं या इंट्रा स्टेट में परचेस करते हैं, तभी हमारा CGST और SGST चार्ज किया जाता है। तो ये भी नहीं कटा। और दूसरा बना लेते हम SGST, क्योंकि वो हमारा आगे काम आएगा, स्टेट टैक्स के अंदर आना है, और इसको सिंपली कर देना सेव। ये हमारा नहीं कटा है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अगर आप इसका प्रिंट देखोगे, मैं प्रिंट बताता हूँ कैसे। देखिए, प्रिंट के लिए आप सिंपली ऑल्ट प्लस पी प्रेस कर दीजिए, और इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए विद प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अगर ये ना आए तो आप ऑल्ट प्लस आई प्रेस कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, और ऑल्ट प्लस जेड से इसको जूम कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे इनवॉइस में जो अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट है। इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया गया है। बट यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे तो उस पर सिंपली बताएगा कि यहाँ पर देखिए आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 है, जिस पर 14% CGST और SGST चार्ज किया गया है, और 40,000 CGST और 40,000 स्टेट टैक्स। और जब आप नीचे इनवॉइस पे देखोगे तो हर जब आप रिवर्स चार्ज, जिस भी आइटम पर रिवर्स चार्ज लोगे, उसके इनवॉइस में जरूर लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अगर ये नहीं लिखा है तो आप नहीं ले सकते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसको कर दीजिए सिंपली सेव, इसको सिंपली सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद अगर हम अपनी बैलेंस शीट पे चले तो बैलेंस शीट पे देखिएगा कोई इफेक्ट नहीं है, हमारी ड्यूटी एंड लाइबिलिटी कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है। और जब अपनी GST की रिपोर्ट पे जाओगे, GST की रिपोर्ट पे जाने के लिए डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट्स GST और GSTR2, क्योंकि इनवर्ट सप्लायर के लिए टैक्सेबल। और यहाँ पे देखिए हमारी B2B में इनवॉइस में इशू हो रही है। बट जब आप इसको डिटेल में चेक करोगे, डिटेल में ऑल्ट प्लस F1, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एंट्री थी वो रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल हो गई है। और जब आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज लाइबल टू बी बुक्ड, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बन गई है रिवर्स चार्ज के लिए। तो यहाँ पे देखिए 28,000 हमारी रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल हो गया है। और जब एंटर मार के जाओगे तो आपके सामने ऐसी विंडोज होगी। इससे पहले जो हमने अंडरस्टर के ऊपर बनाई थी वीडियो, उस भी उसकी उस
वो भी इसी तरह सो हो रही थी, मगर जो सिचुएशन है वो अलग है। सिचुएशन हम जो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते थे, बट ये हम किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम सेल करते हैं, जो मिस्टर जे रॉय है, अब इसकी कंपनी से हम सेल करते हैं। अब इस कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आप इसी गेटवे ऑफ टेल में F3 प्रेस कर दीजिए और मिस्टर जे रॉय ले लीजिए। अब जे रॉय, इसका भी जीएसटी नंबर होगा, तो इसका भी जीएसटी नंबर एक्टिवेट कर लिए उसके लिए, F11 F3। तो देखिए जीएसटी इसको यस करना है, जैसे हमने परचेसर के बेस पे हमने बिल्कुल सेम एंट्री करनी है, और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, अब ये मिस्टर जे रॉय ये सेलर है, तो ये सेल्स करेगा, तो F8 प्रेस कर दीजिए जैसे उसने। और इस बात का जो ध्यान रखना, जो सेल इनवॉइस होगा तो वो परचेस इनवॉइस में भी उतना ही वही रेफरेंस नंबर होगा या इनवॉइस नंबर होगा, तो इस बात का जो ध्यान रखना। अब देखिए इसने किससे खरीदा है, रिवर्स चार्ज सप्लाई से खरीदा इसने माल। और ये कौन है हमारा, सनी डेटर है, सनी डेटर है, मेंडल बिल भाई को बिल्कुल सेम है, सेटिंग करनी है, सेटिंग बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है। यहां से आपको उसका रेगुलर है और उसका जीएसटी नंबर दे देना है, जीएसटी नंबर दे देना है। देने के बाद उसको कर दीजिए सेव। अगर आप जीएसटी नंबर गलत देते हो तो वो एंट्री मिसमैच में आ जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखेगा। इसलिए मैं एक ही जीएसटी नंबर देके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही जीएसटी नंबर है। यहाँ पे सेल्स लेजर बना लिया ऑल्ट प्लस सी करके, सेल्स यहाँ पे भी सेम परचेस की तरह सेटिंग करनी है आपको, और इसको सिंपली सेव कर देना है। अब देखिए हमने आइटम क्या खरीदा था, यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप ठीक है, कितने खरीदे, कितने हमने खरीदे थे यहाँ पे, कितने सेल करेगा, 5 हमारे पास है नहीं, ये 20,000 की सेल करेगा। अब देखिए अगर इसका भी टैक्स एनालाइज करोगे तो ऑल्ट प्लस ऐसे, तो यहाँ पे देखिए 20 140 140 चार्ज टैक्स कटा हुआ है, और यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और जब इसका आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं बना लेता हूँ लेजर, ऑल्ट प्लस सी से सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी लेना है, और सेंट्रल टैक्स लेना है, इसको सिंपली सेव। तो देखिए यहाँ पे भी कोई कैलकुलेट नहीं हो रहा टैक्स। और जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ऑल्ट प्लस पी क्रेस करके, और जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि वही सेम सेटिंग परचेस में हो रही थी, वही सेम यहाँ पे भी हो रही है। और यहाँ पे बिल में आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो जो हम, जो मिस्टर जे रॉय सेल कर रहा है, इसने भी किसी से ये गुड्स खरीदा होगा, और ये भी इस गुड्स पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर लेगा। तो इसको सिंपली कर देते हैं हम क्या, इसको हम सिंपली करेंगे सेव। इनवॉइस नंबर 001 इसको सिंपली कर दिया हमने सेव, सेव कर दिया। अब देखो सेव करने के बाद जब आप इसकी बैलेंस शीट पे चेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। वो करेगा बायर इंक्रीज करेगा, जिस जो मिस्टर जे रॉय है, अगर मिस्टर जे रॉय ने किस मिस्टर जे रॉय ने अदर पार्टी से माल खरीदा है तो वो टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा, और वो इसकी जीएसटी रिपोर्ट में शो होगा, जीएसटीआर की रिपोर्ट में शो होगा। और उसके बाद हम चलते हैं कि वो इनवॉइस तो शो हो गया, अपने बायर पे चलते हैं। बायर पे जाने के बाद जब आप जीएसटी के रूप पर जाओगे GSTR2 पे, और जो हमारी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हुआ है इसका रिवर्स चार्ज तो चाहिए हमें, और जब आप 3B पे जाओगे तो यहाँ पे सिंपली देखिएगा, और नीचे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, तो ये हम इनवर्ट सप्लाई वो रिवर्स चार्ज ले सकते हैं इसका इनवर्ट सप्लाई का। तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप GSTR2 पे जाइए और यहाँ पर रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई पे एंटर करना है, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्योंकि पहले तो आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज करिए ऑल्ट प्लस जे से स्टेट एडजस्टमेंट, इसको आप जनरल वाउचर पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ से लेना है आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर परचेस रिवर्स चार्ज, इस बात का जो ध्यान रखना कि एडिशनल ट्रेड में आपको परचेस अंडर रिवर्स चार्ज ही लेना है। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने जो अंडर रजिस्टर्ड डीलर के केस में किया था, सबसे पहले आप किसी एसेट को बढ़ाइए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ये हमारी क्या रखेंगे इसको हम करेंट एसेट, और इसको आप जीएसटी जो भी करना है इसको नॉट एप्लीकेबल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए हमें कितनी कितनी जो टैक्स बढ़ा इंक्रीज करना है जिसका हमें क्रेडिट मिलेगा, हमें करना है 28,000, क्योंकि सीजीएसटी 40,000 है और एसजीएसटी 40,000 है। उसके बाद हमारा सीजीएसटी कितना है, अब देखिए यहाँ पर रेट हमारा कितना कटा था, 14% कटा था, और जो हमारी इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है जिस पर हमारा टैक्स कटा है 14%, कितना सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी हमारा 14% ओनली 1 लाख पे। तो इसको कर देना आप सिंपली सेव। सेव करने के बाद जब आप देखोगे कि हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, बट जो हमारा आईटीसी बुक अभी नहीं हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला हुआ है, यहाँ पर हमारी इनपुट टैक्स बुक अभी बैलेंस में पड़ा हुआ है। और अगर आप 3B पे जाओगे तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि हम अब एलिजिबल हो गए इनपुट सप्लाई के लिए लेवल टू रिवर्स चार्ज। और जब आप बैलेंस शीट पे जाओगे, बैलेंस शीट पे जब चेक करोगे तो बैलेंस शीट में देखिए 28,000 हमारा यहाँ पर रिवर्स चार्ज के रूप में शो हो गया है, जो हमें यहाँ पर इसका क्रेडिट मिलेगा रिवर्स चार्ज के रूप में। अब इसका क्रेडिट हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए आप सिंपली डिस्प्ले स्टेट रिपोर्ट जीएसटी और GSTR2 पे जाइए और यहाँ पर रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई, मैं एक बार यहाँ पे एक ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा रिपोर्ट में कि टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है 28,000 14% और 40,000 और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी 40,000 है और टोटल है 28,000 है। बट अभी तक इसका क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि उसकी लाइबिलिटी हमें बैलेंस शीट में शो हो रही है और रिवर्स चार्ज में जाना है हमें। और यहाँ से फिर एक एडजस्टमेंट करनी है कि जो हमने लाइबिलिटी इंक्रीज की है उसका हमें क्रेडिट चाहिए, तो उस लाइबिलिटी को हम इंक्रीज करने के लिए एक एडजस्टमेंट करेंगे ऑल्ट प्लस जे स्टेट एडजस्टमेंट। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और अंडर में एडिशनल ट्रेड में आपको परचेस अंडर रिवर्स चार्ज ही लेना है आपको और कोई सा भी एडिशनल ट्रेड में नहीं लेना है। अब देखिए कितनी जो हमें टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है क्योंकि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, जो हमने लाइबिलिटी अभी पिछली एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री करनी है आपको। अब देखिए सीजीएसटी 14% 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू कितना 40,000, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे शो होने लग गया है 14,000 और इसको डेबिट करना है एसजीएसटी, एसजीएसटी भी हमारा 40,000 एंड टोटल हमारा जो है 28,000 यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ से आपको करना है यस, यहाँ पे पता चलेगा कि रिवर्स चार्ज आप किस पीरियड का किस पीरियड तक कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको डेट डाल देनी है और उसको कर देना सिंपली सेव। सेव करने के बाद आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारी जो बैलेंस क्रेडिट बचा हुआ था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। और जब हम अपनी GSTR 3B पे भी जाएंगे, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो हमारा इतना क्रेडिट मिलना चाहिए था मिल गया है। और जब हम 3B पे जाएंगे तो 3B पे आपको सिंपली पता चल जाए कि आपको कितनी क्रेडिट मिलेगा और कितने आपको टैक्सेबल है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एलिजिबल ITC कितना है 40,000 SGA और यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लेवल टू चार्ज। और जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं जो हमने इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज जो हमने परचेस की थी अब वो रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल हो गई है और जो टोटल हमें नेट मिलेगा ITC वो भी हमें 28,000 जो S और SGST से और CGST से 40,000 और 40,000 हमें मिलेगा। और जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहां से हमारी टैक्स और लाइबिलिटी बिल्कुल फिनिश हो गई होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जीरो हो गई है। और शायद ये आपको प्रोसेस पता भी हो क्योंकि रिवर्स चार्ज नॉर्मली है, आपने किया भी होगा पहले, बट पता होने के बावजूद भी हम कुछ एंट्री नहीं कर पाते हैं तो उस केस के लिए आप इसको देख सकते हो जीएसटी और जीएसटी और GSTR2। और अगर हम सेलर की बात करें, सेलर जो रिवर्स चार्ज है वो हमने ले लिया है अपना क्योंकि हमने जो परचेस किया है, जब हम सेल्स करेंगे और जिसने परचेस किया होगा वो भी इस आइटम पर रिवर्स चार्ज मिल जाएगा उसको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमसे पूछें कि इस वीडियो में और क्या बताना चाहिए था और हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या छूट गया है। और हमारे चैनल को साथ में साथ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में उसकी रिंग बेल प्रेस करिए। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी नई फीचर के साथ। सो गुड बाय।